सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी भागवत का है डे 6। तो आज डे 6 में क्या होने वाला है? आज है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं। जय श्री राधे। आज है श्रीमद् भागवत गीता का 6वां दिन। तो आज निकली है राधा कृष्ण और रुक्मणी की झांकी। तो आज देखते हैं कौन क्या क्या बन रहा है। ये हमारी बहन आशी। क्या बननी है आशी तू? कृष्ण हैं? कृष्ण। ये बननी है कृष्ण, ये पहननी है कृष्ण के कपड़े। फरी तू क्या बननी है? गोपी। हाय गाइस, गोपी। और लालो तू क्या बननी है? मैं राधा। ओए हमारी चाची जी। और गौरी तू क्या बन रही है? कुछ नहीं। जे कछु ना बन रही भैया, ठीक है। हाँ, और प्राची तू क्या बन रही है? फोटोग्राफर। फोटोग्राफर तू है? कपड़े तैयार करने वाली तू तैयार करने वाली है? देवे तैयार कर रही है। ये हमारे कृष्ण कन्हैया तैयार है। कृष्ण कन्हैया बिंदी लगती हमारे पंडित जी तैयार कर रहे हैं। कन्हैया जी देखो हमारे कन्हैया जी, कन्हैया जी के इतने लंबे बाल होते पंडित जी? हमारे कन्हैया जी के इतने लंबे बाल होते पहले? तू कौन बन रही है गौरी? तू देगी कृष्ण कन्हैया पानी देने को काम करेगी तू? तू नहीं पूतना। और गोपी तो एक ही है बस। दो कहाँ है? वो तो राधा है। एक ही है तो एक ही बहुत है। और एक राजनी, एक ही रुक्मणी। एक गोपी कहाँ बने? एक ही गोपी। जब गौरी बना लो पूतना, प्राची बना लो गोपी। गौरी दे दे करी पानी। इधर हमारी राधा को हमारी चाची तैयार कर रही हैं। राधा जी बहु जमाने में क्रीम लगावती, देखो। तो गौरी तो होती थी, मैं इतनी गोरी तो हूँ नहीं। राधा ही लगाती थी फूल का वो पाउडर, तुम लगा रही हो क्रीम। तो वही सही है। देखो राधा जी का मेकअप हो रहा है। इसमें देखो क्या है? फेस पाउडर, इसको बोलते हैं फेस। देखो इसको बोलते हैं फेस पाउडर। इससे लगेगा पंडित जी। हमारे कृष्ण कन्हैया इतने बड़े है गई, रुक्मणी बड़ी है गई, गोपी ने किसी सी, और राधा हमारी छोटी सी रह गई। राधा हमारी छोटी सी रह गई। और देखो वो तैयार है रही है रुक्मणी, जे तैयार कर रही है, जे कर रही है प्राची तैयार। येरी रुक्मणी येरी दिखा दिया जा। अभी तैयार है, थोड़ी देर में आपको राधा कृष्ण रुक्मणी जी की झांकी देखने को मिलेगी। राधे राधे।
गोपियां सच चुकी हैं। और देखो हमारे ई उड़पू भी आ गए, अब ये भी हमारा व्लॉग बनाने में मदद करेंगे। अब देखो कौन कौन रेडी हो चुके हैं, ये है सखी, इनका नाम है परी, ये है लालो, राधा राधा, और ये कौन है कृष्ण कन्हैया, ये कौन है रुक्मणी। इधर देश के राजा भीष्म के एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मणी, और इनके चार पुत्र थे, पांच पुत्र थे इनके, कौन से रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाई, रुक्मकेश और रुक्मबाली। एक दिन ये राजा अपने पुत्रों को बिठा करके अपने पास कहने लगे, हमारी बेटियां विवाह के योग्य हो गई हैं, आप भाई से मिलकर के कोई सुयोग्य वर देखिए और इनकी विवाह कीजिए, और भैया अगर आप सबकी समझ में आ जाए तो हमारी समझ में तो रुक्मी के लिए, हमारी रुक्मी बेटी के लिए। जिस समय का हमें इंतजार था वो समय आ चुका है। तो अभी जो आपने देखा वो सखियां थी रुक्मणी जी की, और डे सिक्स में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह था इसमें, तो अभी वही उसी की तैयारी चल रही है। अभी यहाँ पे आ गए हैं भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी, तो अभी यहाँ पे भक्तों का भाव देखना कैसे आशीर्वाद ले रहे हैं, कितना मतलब प्रसन्न है। तो अभी थोड़ी देर में वरमालाएं पहनाई जाएंगी, तो वो भी आपको दिखेगा। तो सारे भक्तगण नीचे बैठे हुए हैं और वरमाला देख रहे हैं और इस मतलब रासलीला का आनंद उठा रहे हैं। देखो सभी भाई, इनका ये भजन सुनना भाई इतना तगड़ा यार, इतना अभी आपने पहले भी सुना होगा यार, इतना तगड़ा यार वास्तव में यार, इनके भजनों का तो क्या कहना यार, मजा आ जाता है वास्तव में यार, इतना आनंद आता है इनके भजन सुन के, एकदम दिल खुश हो जाता है, एकदम दिल खुश हो जाता है, ये मान लो मेरा तो भाई बहुत दिल खुश होता है। चलो अभी
अभी देखना हमारे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह में जो हमारे भक्तगण आए हुए हैं, भक्तों का डांस देखो यार, भक्तों के अंदर जोश देखो कि मतलब भजनों पे कितना अच्छा डांस करने लग रहे हैं और कितनी एनर्जी के साथ करने लग रहे हैं, कितने मस्त मगन होकर करने लग रहे हैं। आप खुद देखो और खुद आनंद उठाओ यार इस चीज का। चलो भक्तों का डांस तो बहुत देख लिया, चलो अभी आरती कर लेते हैं, उसके बाद प्रसाद खाएंगे, उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। ले भैया।
आरती होने के बाद अभी प्रसाद बट रहा है, तो आपसे सर मैं एक ही सवाल पूछूंगा कि आपको हमारे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी की जोड़ी कैसी लगी, उनकी सखियां कैसी लगी, या उन्होंने जो किरदार निभाया वो कैसा लगा। बाकी चलो फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट डे में, डे रह गया अभी हमारा 7 डे, तो मिलते हैं उसमें। ठीक है, टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, भगवान का आशीर्वाद आप सभी पे हमेशा बना रहे।